दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वो देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के तौर पर त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। हालांकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए। आज राउस एवेन्यू की ट्राई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्राई कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इंकार्सरेशन हुई है 18 महीने की और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेगी आर्टिकल 20 सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। कब तक बाहर आ सकते हैं सर सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन साहब का हमने श्योरिटी बॉन्ड दे दिए है तो आज ही मोस्ट लाइकली ही कम आउट करेगा। अब एक बार जानते हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की शुरुआत कब से हुई और इस मामले में अब तक क्या क्या हो चुका है। दरअसल 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामला सामने आया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जैन ने उनसे जुड़ी 4 प्रॉपर्टी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने 2017 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। फिर ईडी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन की कंपनियों का इस्तेमाल हवाला के जरिए शेल कंपनियों के माध्यम से करीब 4 करोड़ से ज्यादा के फंड लेने के लिए किया जा रहा था। बात 30 मई 2022 की है। इस दिन ईडी ने सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया था। जांच में पता चला कि इन संस्थाओं में पैसे का बड़ा लेन देन हुआ था। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन बिना ट्रायल शुरू हुए 18 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि ट्रायल में देरी हुई है। इस बात पर जोर दिया गया कि इतनी लंबी कैद के लिए जमानत मिलनी चाहिए। आया 18 अक्टूबर 2024 का दिन। इस दिन दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल में देरी और हिरासत में बिताए गए लंबे समय को देखते हुए सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि ट्रायल के निकट भविष्य में पूरे होने की संभावना नहीं है, इसलिए जैन जमानत के हकदार हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।